ये देख सकते हैं तस्वीरें गाइस, ये है पैकेज फर्स्ट। ये पैकेज फर्स्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे का, जो कि जय कुमार द्वारा बनाया जा रहा है। जो कंपनी यहाँ पर वर्क कर रही है वो है जय कुमार। आज इसी के अपडेट आप लोगों को देने वाला हूँ मैं। देख सकते हैं ये लॉन्चर लगे हुए हैं, एक उधर लॉन्चर, एक ये, और काफ़ी बड़े बड़े लॉन्चर हैं गाइस। देख सकते हैं इधर ये पिलर भरे जा रहे हैं, ये पिलर भी इधर भरे जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि ये सिक्स लेन का तो ये एक्सप्रेसवे है, और जो आने जाने वालों के लिए, ये लोकल वालों के लिए, इसमें टू लेन के तो इसमें अलग से बनाए जा रहे हैं, ये सिक्स लेन के हैं। ये सिक्स लेन के क्यों हैं, तीन और तीन छः, मतलब ये फोर लेन का है। ये गाइस फोर लेन इस साइड में, फोर लेन उस साइड में, देख सकते हैं। और अभी कंस्ट्रक्शन तेज़ी के साथ में चलता हुआ इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे गाइस, तो धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। और ये देख सकते हैं रोड रोलर, इसमें ब्लैक टॉप भी कर दिया गया गाइस। पहले हम आए थे तब कुछ नहीं था, यहाँ तो ये कंप्लीट सा ही काम लग रहा है। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे के। ये सन 2023 तक बन के कम्प्लीट हो जाएगा। आपको बता दूं कि हर जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देख सकते हैं आप लोग, जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आपको कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। और ये देखिए पिलर कैप बनाया जा रहा है, किस तरीके से ये पिलर कैप बनाया जाता है, देखो आप लोग। ये है लाइन, फोर लाइन इस साइड में, फोर लाइन उस साइड में गाइस, और बगल में इसके आने जाने वालों के लिए। और ये अंडरपास दे रखे हैं क्रॉस करने के लिए, देखो किस तरीके से ये अंडरपास बनाए गए हैं। आज काफ़ी दिनों के बाद में दोस्तों मैं इस द्वारका एक्सप्रेसवे की वीडियो बनाने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था इधर आने के लिए गाइस। और आप लोगों के बीच में बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सब आने लग जाएंगे, क्योंकि क्वालिटी के साथ में गाइस देख सकते हैं कि किस तरीके से ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। और बहुत ही सुंदर एक्सप्रेसवे ये द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, क्योंकि अभी NH 44 पे बाइस बहुत ज़्यादा जाम रहता है, बहुत ज़्यादा जाम का सामना करना पड़ता है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया जा रहा है, देख सकते हैं जिधर आप नज़र उठा के देखेंगे उधर ही आपको कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन नज़र आएगा। आज आप लोगों को पूरा क्लियर करूंगा मैं द्वारका एक्सप्रेसवे। ये जो साइड में बनाए जा रहे हैं देख सकते हैं चढ़ने उतरने के लिए इस द्वारका एक्सप्रेसवे पे। ये देख सकते हैं ये देखो ये बना दिया गया छोटा सा हिस्सा, और ये लॉन्चर से नहीं जोड़ा जा रहा है गाइस, ये वैसे ही जोड़ रहे हैं। ये देखिए पहले अपडेट मैंने दिया था यहाँ से फर्स्ट पैकेज का,
ये देख सकते हैं ये जा रहा है निकलता हुआ, और यहाँ से हम निकलते हुए जाएंगे और देखेंगे कि हमें किधर को निकलना है। ये देखो अंडरपास बनाया जा रहा है, और इधर से हम निकल के चलेंगे। ये देख सकते हैं ये है कुछ हिस्सा, ये सारे में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ये यार्ड, ये गाइस देख सकते हैं ये अंडरपास बनाया जा रहा है द्वारका एक्सप्रेसवे का। तस्वीर आप लोग देखो, ये है गाइस एक्सप्रेसवे, देख सकते हैं तस्वीरें, और ये वहाँ से सामने से बंद कर रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ये जाल बिछाया जा रहा है, किस तरीके से ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। आप लोग अपनी तस्वीरें आँखों से देख सकते हैं गाइस। तो हम चलते हैं इधर की साइड में, अब फिर आएंगे लाएंगे आपको घुमा के, चलते हैं घुमा कर लाएंगे आपको कि कितना कुछ काम हो चुका है। और ये है पैकेज टू गाइस, पैकेज टू है, ये देखो मिस्त्री काम कर रहे हैं। ये देखो ये कर्व अब जोड़ने का काम चल रहा है, देखो जैसे ये जोड़ा जा रहा है, ये देख सकते हैं इसी तरीके से ये जोड़े जाएंगे, क्यों आके आगे यार्ड है, तो यार्ड की वजह से हमें घूम के आना पड़ा। और देखो ये हैं इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो घुमाए जाते हैं गाइस, देखो ये लगाए जा रहे हैं, ये बीच का पार्ट है ये वाला, और ये देखो ये कर्व ये जोड़ दिए गए हैं, ये जोड़े जा रहे हैं, अभी इन पे फ्लोरिंग होना है, तो अभी जोड़े नहीं गए हैं, और जब जुड़ जाएंगे तब ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस। तो आज मैं पूरा ही आपको क्लियर कर दूंगा, पूरा क्लियर करके दिखाएंगे आपको। तो आपको बता दूं कि यहाँ से ये नीचे उतरता चला जा रहा है, फिर हम घुमा के लाएंगे गाड़ी, फिर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ये देखो ये इसको जोड़ने का ही काम चल रहा है, ये इस तरीके से ये बनाए जाते हैं और जोड़े जाते हैं। तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से, ये देखो ये कर्व है जो जोड़ा जाता है बीच में, ये देखो कितना हाई फाई है गाइस, और ये पीछे चल रहा है काम, तो यही है पूरा, ये देख सकते हैं, और वो सामने आ जाता है आपका एयरपोर्ट, तो यहाँ पर ये नीचे हो जाएगा ग्राउंड फ्लोर पे। यहाँ से ये ग्राउंड फ्लोर पर आ जाता है गाइस, तो अभी बस यहीं तक का वर्क चल रहा है इसका, आगे तक नहीं चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को क्लियर किया जाए कि किस तरीके से ये जोड़ा जाता है, किस तरीके से ये बनाया जाता है। देख सकते हैं चारों तरफ ये चल रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, इस पर ये जोड़ने का काम चल रहा है, और यहाँ से अब चलेंगे हम वापसी, क्योंकि तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो बस यही था यहाँ का नज़ारा गाइस, ये देख सकते हैं ये सारा कंस्ट्रक्शन इसका ही है द्वारका एक्सप्रेसवे का ही गाइस। और देखो कर्व इसके कितने चौड़े चौड़े हैं, देखो अपनी आँखों से, इसका ये यार्ड है, यार्ड में ही बनाए जा रहे हैं ये सारे, ये देख सकते हैं। और ये है पैकेज टू, अब पैकेज थ्री पैकेज फोर आपको दिखाएंगे हम, तो बस बने रहिए केपी संत के साथ में गाइस। देखो ये मिलाने का काम चल रहा है,
ये देखो, ये भाई साहब एक तार कर रहे हैं मिट्टी, एक तार करते हुए ला रहे हैं मिट्टी को। कुछ इस तरीके से ये जोड़ दिया गया, ये अलग से जोड़े जाते हैं, तभी वक्त तो इसमें लगेगा करीब, अभी इसमें 1 साल का वक्त और लग जाएगा गाइस, कि इतनी जल्दी ये कंप्लीट नहीं होने वाला है। ये सारा एरिया है देखो, ये गुड़गांव में आता है, नजफगढ़ और गुरुग्राम में आता है ये। और यहाँ से हम निकलते हुए चलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे, और देखते हैं ये कहाँ पे जाके निकलता है, कहाँ पे ख़त्म होता है, वो अभी आप लोगों को दिखाएंगे। अभी काफी वक्त लगेगा गाइस, काफी वक्त। तो अभी इस पे जोड़ने का ही काम चल रहा है ये। लाइन टर्बो यहाँ से हम चलेंगे निकलते हुए, फिर आप लोगों को दिखाएंगे हम। अरे यार ये देखो, देख सकते हो आप लोग कितना लंबा चौड़ा है ये। ये जब जोड़ते हैं देखो किस तरीके से ये जोड़ा जाता है गाइस, और यहां से हम सीधे निकलेंगे गुड़गांव में जाके खिड़की दौला, और खिड़की दौला पे दिखाते हैं जो इसका इंटरचेंज बनाया जा रहा है वो किस तरीके से बनाया जा रहा है, वो आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। जब वो पार्ट देख लोगे तब आपको पता चलेगा। ये टोटल 29 किलोमीटर का पार्ट है, तो उधर भी बना हुआ है, हम चलेंगे उधर से ही। ये देखो बायोडक्ट, पहले इसका शीशा साफ कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं।